जे पी यादव जी इस गहरी पंचायत में आए हुए तमाम हमारी माताएं बहनें मेरे भाई मेरे बंधु जो बहुजन समाज के आवाज को जो इस बहुजन समाज के इस मिशन को अपना मिशन समझकर माननीय काशीराम साहब को इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने घरों से निकले हैं, बाबा साहब को उस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ताकत अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाना चाहते हैं। मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी जो केंद्रीय प्रभारी हैं, तेज तरार लखनऊ से जो आए हैं हम सबों को चलाने के लिए, बिहार कैसा चल रहा है पवन जी को रिपोर्ट करते हैं, एडवोकेट सुरेश राव साहब बहुजन समाज पार्टी के पहले से शुरुआती दिनों से ही बहुजन समाज पार्टी में अपनी जान लगाने वाले भाई संजय मंडल जी, आपके ही बेटा आपके भाई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, आपके ही जिला के आपके बहुजन समाज पार्टी के सचिव प्रदेश में सचिव हैं पिंकी चौहान जी, जो नदवा से जो मुखिया भी हैं, नदवा से जो मुखिया भी हैं चक्रवर्ती चौधरी जी, सरोज चमार जी, पप्पू पटेल जी, शिव बहादुर पटेल जी, चंदन चौहान जी, जयनाथ राम जी, इस पंचायत के मुखिया जी रमेश राजभर जी, जेपी यादव जी, सरोज साधु जी और तमाम मंच पर जो बैठे बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को बढ़ाने के लिए जहां बैठे हैं सबको मेरा जय भी। आज हम आए हैं आपके पास कुछ खास मकसद से कुछ खास बातें करने। मकसद यह है कि एक तरफ जो बैठी हुई जो अभी जो बनी हुई केंद्र में जो सरकार है, यह सरकार कहती है कि हम बहुजनों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम बहुजन समाज के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और मोदी सरकार 5 किलो अनाज हम बहुजन समाज को देने का काम कर रही है। महिला हम अपने समाज से पूछना चाहते हैं, अपने लोगों से पूछना चाहते हैं, माताओं और बहनों से पूछना चाहते हैं, अपने अभिभावकों से पूछना चाहते हैं कि क्या ये 5 किलो अनाज हमारा जीवन पार करा देगा, क्या ये 5 किलो अनाज हमारे बच्चों के भविष्य का कीमत बता देगा कि हमारे बच्चे इसी 5 किलो अनाज से पल लेंगे, पढ़ जाएंगे और उन्हें शिक्षा मिल जाएगी, क्या ये हो सकता है क्या? तो ये हमें 5 किलो अनाज भीख में मिल रहा है, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हमारे साथ भीख में नहीं किया जा रहा है। ये 5 किलो अनाज हमारे सम्मान की नहीं है, ये 5 किलो अनाज हमारे इज्जत का नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने 5 किलो अनाज हम दलितों को नहीं दिया था, हम बहुजनों को नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3-3 एकड़ जमीन हम गरीबों का देने का काम किया था कि जाओ 5 किलो अनाज से जाओ, 3-3 एकड़ जमीन लो, अपने परिवार का भरण पोषण करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये हमारे आदरणीय बहन जी ने किया था। तो आपको 5 किलो अनाज वाला चाहिए या 3 एकड़ जमीन देने वाला चाहिए, फैसला आपको है, ये सोचना है। तो लोग कहते हैं कि हमारा वोट बिक जाता है, ये समझना होगा कि हम बहुजन समाज का वोट कभी बिक नहीं सकता है। हमारे बहुजन समाज की माताओं और बहनों, हमारे अभिभावक हमारे भाई बिकने वाले नहीं है, हमारे भाई हमारी माताएं और बहनें झूठे वादों में जरूर फंस जाते हैं कि झूठे वादे में कोई आता है कुछ कहने तो उसमें हम जरूर पड़ जाते हैं। एक मुख्यमंत्री बिहार के आए थे, कहे कि 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, कहे रहा
बना नो कोई कमी आती नहीं इसमें जमीन है, तो ये कैसे मुख्यमंत्री कितना बड़ा झूठ का वादा करके हमारा वोट लेने का काम उन्होंने किया और हमें वो 3 डिसमिल जमीन भी देने का काम नहीं किया। आए दिन हमारी झोपड़ियां टूटती है कि हम सरकारी मकानों में सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, अतिक्रमण हटाओ में हमारी झोपड़ियां रोज तोड़ी जा रही है, पूरे बिहार में हमारी झोपड़ियों को तोड़ा जाता है, हमें कहीं आवाज उठाने पर हमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये ऐसी हमारे नीतीश कुमार की निष्ठुर सरकार। तो हम आए हैं आपसे कहने कि इस बार लड़ाई राजनीतिक लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको फैसला करना है कि आप आरएसएस वाद को बढ़ावा देने वाले हैं, गांधीवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, या अपने अंबेडकर वाद को जिंदाबाद करना चाहते हैं। ये आपको तय करना है कि आप किसके लिए जड़, आप किसके लिए खड़े होंगे। ये आपको तय करनी है कि गांधीवाद के लिए कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, आरएसएस वाद के साथ बीजेपी के साथ खड़े होंगे, या अपने पवन जी के तरफ अम्बेडकर वाद के लिए खड़े होंगे। ये आपको सोचना है, इस बात की फैसला करें। अगर आप अम्बेडकर वाद के लिए खड़े होते हैं, आप अम्बेडकर वाद को जिंदाबाद करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथी को गले लगाना होगा, हाथी की सवारी करनी होगी। ये न कांग्रेस वाले गांधीवाद के सहारे हमारे देश को कभी संविधान लागू नहीं कर सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस वाद वाले जो लोग जो दक्षिण पंथ की बात करते हैं, ये आरएसएस वाद वाले जो लोग हैं, ये केवल राम मंदिर बनाएंगे, कभी भीम के मंदिर की चर्चा नहीं करेंगे, कभी भीम के लोगों का उत्थान की चर्चा नहीं करेंगे। ये राम मंदिर बनाएंगे और कहेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, निमंत्रण दे रहा लोग देता लोग ना कि अयोध्या में जनवरी में 22 जनवरी के चले के बाद सब लोग के अरे कौन भोज किया हुआ था, ये कौन सा भोज है। अरे अगर हम हिंदू हैं, हमारे अगर लोग राम जी में आस्था रखते हैं, तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं कि राम जी में आस्था मत रखो, लेकिन अंधभक्ति क्यों। राम जी की मंदिर अगर अयोध्या में बन जाती है, तो मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लोग आपका रोजी रोटी वहां मिल जाएगा अयोध्या मंदिर में, आपको मंदिर में वहां अनाज मिलेगा, आपका भरण पोषण होगा, हमारे बच्चों को बच्चियों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चों बच्चों का शिक्षा मिलेगा उस राम मंदिर से क्या। अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा, तो उसको राम मंदिर भेजेंगे या अस्पताल भेजेंगे, ये फैसला आपको करना है। ये पूछना होगा आपको, ये जो आ रहे हैं कहने कि अंधभक्ति के लिए आपको चलो सब जगह राम मंदिर देखने, राम मंदिर देखने, अरे भाई राम मंदिर क्या देखना है, हम तो उस भीम के औलाद हैं, हम अपने भीम के फौलाद हैं, औलाद हैं, हम बाबा भीम को मानते हैं जिसने हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, हमारा भगवान तो वो है जिसने हमें भारत में चलने का अधिकार दिया, हमारा भगवान तो वो है जो खुद स्कूल के बाहर रहा, खुद क्लास के बाहर रहा और हमें बच्चों को और हमें पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर बैठाया, वो भगवान हमारा है और वो भगवान बाबा भीम थे जिन्होंने हमें स्कूल के अंदर बैठने का अधिकार दिया, वही बाबा भीम थे जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया और नौकरियों में आरक्षण देकर हमें नौकरियां दी, ये बाबा भीम का दिन था, ये बाबा ये भगवान राम का दिन नहीं था। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि फैसला आपको करना है, ये आर और पार की लड़ाई है। इस बार बाबा साहब ने जो कहा था, जो सपना दिखाया था, इस सपना को पूरा करने का समय है और मानदर साहब का उस मिशन को पूरा करने का समय है कि क्या करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमारे लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर हमें चाहिए अम्बेडकरवाद, अगर विश्वास करते हैं हम अपने अम्बेडकरवाद में, तो आपको निश्चित रूप से अपने पवन जी के पीछे खड़ा होना, लगानी होगी ताकत, अपनी ताकत जो धन बलजन है उस धन बलजन को लगा देनी होगी अपने बहन जी के पीछे, तभी हमारी बहन जी की सरकार बनेगी और तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो हम सबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये सरकार में बैठे लोग जो हुक्मरान है, ये हुक्मरान लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान पुराना हो गया इस संविधान को हम बदल देंगे। इस सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो हम तो आए हैं आपसे कह
मैं इस संविधान का संकल्प लिया हूं, जो बाबा साहब का जो संविधान है जिन्होंने भारत के लिए लिखा कि धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा, हमारे बच्चों और बच्चियां की नौकरियां मिलेंगी, सबको एक वोट डालने का ही अधिकार होगा, ये बाबा साहब ने लिखा था। इस संविधान को किसी मोदी और नीतीश ने नहीं लिखा है, इस संविधान को बाबा साहब ने लिखा है। मैंने इसे गले से लगाया है और गले से लगाकर संकल्प लिया है, गले से लगाया है, संकल्प लिया है मैंने। और आपसे भी चाहते हैं कि अगर है अपने बाबा साहब के संविधान के प्रति संवेदना आपके लिए, अगर चाहते हैं कि बाबा साहब का यह संविधान जिंदा रहे भारत में, तो हमें क्या करना होगा? आज बहुजन समाज पार्टी अपनी संकल्प सभा कर रही है संविधान को बचाने के लिए। हम गांव गांव गलियों गलियों में घूम रहे हैं कि संविधान को बचना चाहिए, हम जिंदा रहे या न रहे, भारत का ये संविधान जिंदाबाद रहना चाहिए। इसलिए हम आए हैं अपने लोगों से कहने, हम अपने लोगों से कहने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं कि क्या हम सभी संकल्प लेंगे, लेब जहांगीर के संकल्प अपना संविधान को बचाने के लिए हाँ? संकल्प लेंगे हम लोग, हम सभी संकल्प लें कि भारत के संविधान की बचाने के लिए चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन बाबा साहब का ये संविधान बचना चाहिए। और बचाने के लिए क्या करना होगा? बचाने के लिए करना होगा बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार से जो ये सरकार कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, तो हम सबों को क्या करना होगा? हम सबों को ये जो संविधान बदलने की बात कह रही है जो सरकार, उस सरकार को बदल देने की ताकत रखनी होगी। और बाबा साहब ने जो हमें ईवीएम में एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस एक वोट डालकर इस सरकार को बदल देने का हौसला रखना होगा, तभी हम सबों की रक्षा पता जाएगा। तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हम सबों का मान और सम्मान बचेगा। तो हम ये कहना आए हैं आपसे कि अगर संविधान बचेगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, ये मोदी नहीं बचा सकता है, मोदी तो कह रहा है हम बदलेंगे, राहुल गांधी के पूर्वजों ने बहुत बार देश में शासन किया, लेकिन हमारा संविधान देश में पूर्णतः लागू नहीं कर पाया। इसे करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी और आदरणीय बहन जी की सरकार बनानी होगी, तभी हमारा संविधान बचेगा। तो क्या हम सभी बहन जी की सरकार बनाएंगे? बनाई थे बहन जी की सरकार ना? क्या कुछ लोग हाथ नहीं क्यों उठाओ ना बनाएगा कुछ लोग? तो हम अपनी बहन जी की सरकार को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा संविधान बचेगा और बाबा साहब का भारत, बाबा साहब का संविधान भारत में पूर्णतः लागू होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश का कोना कोना बेचने का काम कर रही है, देश का कोना कोना बिक रहा है, रेलवे का स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे जैसी बड़ी कंपनियां बिक रही है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बिक रही है। अगर ये सारी कंपनियां बिकेंगी तो हमारे बच्चों का रोजगार का क्या होगा, हमारे बच्चियों के नौकरियों का क्या होगा, कहां जाएंगे हमारे बच्चे और बच्चियां नौकरी करने? ये अडानी और अंबानी की कंपनी में जाएंगे क्या? अगर आज यहाँ थर्मल पावर लगता है तो उस थर्मल पावर में क्या होता है? यहाँ के कैगो आदमी, वहां कैगो हमारे भाई बहन काम करे ला, वहां लोग थर्मल पावर में कोई बड़ा पाव वहां काम करे वाला? एक भी व्यक्ति हमारा काम नहीं करता है, एक भी हमारा बेटा, एक भी हमारी बेटी वहां काम नहीं करती है। कैसा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था बनते जा रही है कि अगर हमारे लोग, हमारे घर में कोई इंडस्ट्री हो रहा है, बन रहा है, तो हमारे लोग अगर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या बाहर से लोग आकर नौकरियां करेंगे? इसलिए मैं आया हूं आपसे कहने कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाइए और बक्सर से लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का चाहे जो, आप अपने हाथी को पहचान लीजिए और हाथी पर अपनी ताकत लगा दीजिए और बहन जी के पीछे
अब ताकत लगाकर खड़ी हो जाइए और बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी चाहे जो बहुजन समाज पार्टी को जिता दीजिए और अपने हाथी को जिताकर अपना बहुजन की सरकार बना दीजिए। और कोई थर्मल पावर हो, कोई थर्मल पावर हो, कहीं कोई उद्योग धंधे लगेंगे तो सबसे पहले हमारे बक्सर के बेटा और बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा और उसकी नौकरियां सुरक्षित वहां होगी। मैं ऐसा बक्सर बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बक्सर ऐसा बने जहां हमारे बेटे और बेटियों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हम ऐसा बक्सर बनाना चाहते हैं और ऐसा भगवान जी की जब सरकार आएगी तभी संभव है। ये 3 डिसमिल जमीन वाला को भी आपने देखा, जनधन खाता सबके खुले नहीं ना, बैंक में खुले नहीं है ना, पैसा आई नौकरा में खूब है, 15 लाख ना आई ले क्या हुई ले, देखे झूठ मत बोलिए लोग, राई हुई कुछ हम नहीं होकर दिया लोग है। तो ये भी मोदी गजब का झूठ बोलने की कला है, झूठ बोलने का प्रधानमंत्री देश का, हमारा प्रधानमंत्री हमारे वोट को लेने के लिए हमसे झूठ बोलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत के संविधान में कुछ नहीं हो सकता है। इस भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता है कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो। हम भारत के नागरिकों को ठगने के, हम भारत के बहुजन समाज को ठगने के लिए हमारा प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता हो, इससे बड़ा कलंक हमारे भारत का कोई नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अब लोगों से आह्वान करने आया हूं, अपने बहुजन समाज से, अपनी माताओं बहनों से, अपने भाइयों से, अपने अभिभावकों से आह्वान करने आया हूं कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और राजनीतिक लड़ाई होगी। आपने बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उस ताकत के साथ लड़ाई होगी और ईवीएम के वोट पर ताकत लगाइए और ताकत लगाकर ईवीएम में इतना बटन दबा दीजिए कि लोग कहते हैं कि लोग बदल देता है, लोग कहते हैं कि बदल देता है, लेकिन आप अपनी ताकत लगा दीजिए कि बदलने वाले की शक्ति कहीं रखी रह जाए और आपकी ताकत जीत जाए। मैं वैसा बक्सर बनाना चाहता हूं और वैसा अपने बहुजन समाज से उम्मीद करता हूं। आप यही कहकर कि 3 डिसमिल जमीन वाला भी झूठा, जनधन में खाता खुलवाकर 15 लाख रुपया देने वाला भी झूठा, तो इन झूठों को बाहर कीजिए और अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर इन सबका बदला ले लीजिए, बदला ले लीजिए कि बहन जी देश का प्रधानमंत्री बने तो हम बहुजन समाज का जयकारा हो और हम बहुजन समाज का जो अधिकार है, जो हक है, जो हुकूम है, जो बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था वो सपना पूरा हो, जिससे हमारे बच्चे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। अगर आप बहन जी को याद करें तो बहन जी ने हमारी खातिर राज्यसभा को छोड़ने का काम किया था, क्या हुआ था, क्यों राज्यसभा छोड़ी थी बहन जी? तो बहन जी ने राज्यसभा छोड़ा था, एक हथरस का कांड हुआ था, एक हमारी बेटी के साथ वहां रेप हुआ था और उस रेप के बाद उसे न्याय नहीं मिल रहा था और रेप करने वाले को सजा नहीं दे रही थी सरकार वहां की। बहन जी ने इसके खिलाफ राज्यसभा में आवाज उठाया कि उस अन्याय को, उस अपने बहुजन समाज की बेटी को न्याय दो, लेकिन मोदी की सरकार बहन जी को रोकना चाहिए कि नहीं आप यहां बोल नहीं सकते। बहन जी ने 1 मिनट भी देर नहीं किया और कहा कि जिस समाज से मैं आती हूं और उस समाज पर अगर कहीं कोई आफत आती है, उस समाज पर कहीं कोई विपत्ति आती है और उस समाज को मैं न्याय नहीं दिला पाती हूं, उसकी आवाज मैं अपने सदन में नहीं रख सकती, तो मैं ऐसे सदन का सदस्य होना नहीं चाहती हूं, मैं भी सदन से बाहर जाती हूं, इस्तीफा करती हूं ऐसे सदन से और बहन भी बाहर जाने का काम। तो मैं उस अपमान का बदला लेना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारा बहुजन समाज उस अपमान का बदला ले और इस मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके और अपने बहन जी को सरकार को लाकर के हाथ खड़ा करे, तभी उस अपमान का बदला हो सकता है। ये नई नई बातें होती हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत सारे बाबा ढाबा जो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई ताकत नहीं मिली तो लोग कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे भारत में हम जब से जन्मे हैं तो हिंदू ही थे ना, ये नया हम हिंदू जन्म अवतार मिल रहे हैं। अरे पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, मुझे हिंदू बनने और इसे कोई भगा नहीं सकता है।
लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होगी जब बाबा साहब ने अपने संविधान में सबसे पहले लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो अगर हिंदू राष्ट्र की कोई बात करता है तो ये बात देशद्रोही होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब पवन जी की सरकार बने, तभी ऐसी उसे सजा मिल सकती है। आज तो सब लोग, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सब लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर तभी सजा होगी और हिंदू राष्ट्र पर वाले कहने वाले लोगों पर तभी सजा होगी जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय पवन जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी इस बात की सजा होगी। नहीं तो ये कांग्रेस वाले लोग और बीजेपी वाले लोग कभी भी इन बातों पर सजा नहीं दे सकते। तो मैं अपने सभी धर्मों के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बार पवन जी के लिए ताकत अपनी लगा दीजिए अपनी ताकत पवन जी के लिए और अपने हाथी के पीछे खड़े होकर अपने पवन जी की सरकार बना दीजिए। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आज अगर शहीद जगदेव बाबू का शहादत को आप याद करते हो, जगदेव बाबू की शहादत को अगर आप चाहते हैं कि उनका शहादत बेकार नहीं जाए, तो आपने तो देखा यहाँ कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार, जदयू की सरकार, सभी सरकारों को आपने देखा। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को भी आप देख लीजिए कैसे है सरकार, जगदेव बाबू की शहादत भी जाया नहीं जाने देगी। मैं ही कहकर के आप सबों से विदा लेंगे कि क्या हम सभी एक बार बहन जी की सरकार बनाएंगे ना है? यहाँ लोग कहेगा कि बाबू जी दिहन ना तो बाबा जी दिहन, बक्सर में बाबू जी दिहन ना तो बाबा जी दिहन, समझ गए लोग ना है? कहने का मतलब है कि सामंतवादियों का गढ़ है बक्सर, ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपसे कहने आया हूँ कि इस पर ठा दीजिए ये बाबू और बाबा का किला और बना दीजिए अपने बहुजन का किला, तभी हम बहुजन समाज के लोगों का जीवन का मूल धार मिलेगा और उनका सपना पूरा होगा। आज अगर किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए तो बिना घूस के बना दे जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में चाहिए कितना पैसा लागे? 30,000 उग्रो में चाहे बिना आवास योजना ना पास, बीपीएल में नाम लिखवावे के बाद ओहो में पैसा लोग हो जाते। हमारे लड़कन के भाई के नौकरी चाहिए, बहन के नौकरी चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कोकरो में घुस लागे। हम तमाम लोगों के लिए कहना चाहते हैं इस बार इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए, इन भ्रष्टाचारी सरकारों को सबक सिखाने के लिए एक बार अपने पवन जी को लाना जरूरी है और तभी हमारा भारत डेवलप होगा, विकसित होगा और बक्सर भी विकसित होगा। आज यहाँ के गांव में यहाँ के सांसद जी कह बड़ा इन बड़ा है क्या इन बड़ा है देख ले बड़ी जरूर लोग यहाँ। इसका मतलब है कि इस हमारे डेहरी गांव में भी एक बुनियाद का ईंट, विकास का एक ईंटा भी हमारे गांव में नहीं रखे। अगर हमारी बहनों को पढ़ने जाना पड़ेगा, कॉलेज जाने की जरूरत होगी तो बक्सर जाना होगा, बीच में कहीं कॉलेज नहीं थी, तो ये कौन सा विकास है? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ का विधायक भी नहीं कर पाए, वर्तमान सांसद भी नहीं कर पाए, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाइए, निश्चित रूप से आपके गांव के 10 किलोमीटर के अंदर आपका कॉलेज खुलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बाबा साहब का वो कथन पूरा करना चाहता हूँ जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो। मैं शिक्षा का झलक जगाना चाहता हूँ और सावित्री बाई फुले को याद करते हुए उन्होंने जो शिक्षा का मंत्र दिया था उस शिक्षा के मंत्र को घर घर पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए आपका आशीर्वाद प्यार दुलार चाहिए और ये आशीर्वाद 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी और अपने इस हाथी के पीछे लगाकर बहुजन समाज पार्टी का बक्सर से सांसद बना दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया है, जो दुलार आपने दिया है, वो आशीर्वाद
अगले चुनाव में निश्चित रूप से बक्सर से बहुजन समाज पार्टी का सांसद जीतेगा और जीतकर हाथी का झंडा लहराएगा यहाँ और नीला झंडा ये लहराएगा और लहरा कर इधर से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली की गद्दी पर बहन जी को बैठाकर प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोलेगा। बस इन्हीं जनसभाओं के साथ क्या आपने जो यहाँ प्यार दिया आशीर्वाद दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जरूर आपको कहेंगे क्या बेटा हो आपका भाई हो अपने बहुजन समाज को जरूर कहना चाहते हैं कि आपका बेटा हूँ आपका भाई हूँ। आपके खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है न्याय नहीं मिलता है तो आपका बेटा आपका भाई आपके साथ खड़े होकर के और बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए रात दिन एक करना होगा करेगा और अपने बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। मैं ये कह करके आपसे जाना चाहता हूँ कि आप इसके लिए आश्वस्त रहे निश्चित रहे लड़ाई चाहे कितनी भी गंभीर हो लेकिन लड़ेगा आपका बेटा आपका भाई आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ेगा। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहे और आप सबों ने जो प्यार दुलार आशीर्वाद दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भीम आप सबका जिंदाबाद। धन्यवाद।